तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आया हूँ। बिना पेन पेपर के एवरेज के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना होगा। फिर से बता दूं, देखिए एवरेज के दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, पार्ट वन और पार्ट टू बना चुका हूं। अगर वो दो वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वहां जाकर देख सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसमें भी शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं। देखिए क्या करना है आपको, वीडियो देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन में टच कीजिए, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, उस आई बटन में क्लिक करके भी दो वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने पहला सम लेके आऊं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, कुछ नया सीख के जाओगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। देखिए आपको जैसे कहा मैंने, बिना पेन पेपर कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज के सम को, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पर दिया है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 21, मतलब 11 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 21 है, ठीक है, 21 जो है एवरेज है। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए इफ 3 इज एडेड। अब देखिए ये जो वर्ड जो है ना एडेड, ऐसे चार टाइप के सम पूछ सकते हैं यही सेम पैटर्न का। क्या पूछेंगे, देखिए एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, ऐसे सब पूछेंगे, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से आपको काम करना है। यहां पर क्या करोगे, देखिए एवरेज देखिए 21 है, और क्या करना है आपको, देखिए 3 इज एडेड, एडेड करना मतलब प्लस कर लीजिए, देखिए 21 प्लस 3 कितना होगा 24। बिना पेन पेपर के आंसर निकाल लिया आपने, देखिए। तो ये चीज मुझे सिखाना, देखिए क्या करोगे, जो एवरेज दिया होगा उसमें क्या करोगे, जो इंफॉर्मेशन दिया होगा, देखिए एडेड क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो आप 3 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए और एक सम लेते हैं हम लोग, इस चीज को स्टार्ट कर देखिए। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले सिखाया मैंने कि कैसे बिना पेन पेपर के आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, उसी की तरह देखिए ये समय, देखिए क्या समय, देखिए यहां पर द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 35, मतलब एवरेज क्या है, देखिए 35 है। इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 बोला, क्या करोगे, देखिए 35 मल्टीप्लाई 2 करोगे और आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 70 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना, देखिए 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 35 क्या है आपका एवरेज है, और जो नंबर आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा मल्टीप्लाइड, एडेड, सब्सट्रैक्टेड, वो आपको उसके हिसाब से करना है। तो यहां पे मल्टीप्लाइड कहा था, देखिए तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 35 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 70 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और एक सम लेते हैं हम लोग, देखिए तीसरा सम लेके आओ, देखिए ये वाला सम लेके आओ, देखिए काफी बड़ा सम है और इंपॉर्टेंट सम है। अक्सर क्या करते हैं, ये सम देखकर स्टूडेंट पेपर छोड़ के आ जाते हैं कि ये सम हमसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने आपको सिखा दिया, अगर आपने सही से सीख लिया अगर, तो एग्जाम पेपर में ढूंढ के निकालोगे या सम पहले करके आओगे, ये गारंटी मैं देता हूं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए रीड करने की टेक्निक, देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज जो है वो है 35 है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते देखिए। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 39 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 15, मतलब पास जो है वो 39 है और फेल जो है वो 15 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, ये पूछा है। तो क्या करोगे, देखिए सबसे पहले करोगे यहां पर, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर पास लिखता हूं और यहां पर देखिए मैं फेल लिखता हूं। क्लियर हो गया, देखिए ये लिख दिया मैंने। अब देखिए जो एवरेज दिया है, टोटल एवरेज दिया है, टोटल एवरेज कितना दिया है, देखिए 35 टोटल एवरेज दिया है, तो 35 आप यहां पर लिख लीजिए। देखिए उसके बाद देखिए जो पास का एवरेज है वो कहाँ है, देखिए ये देखिए पास का एवरेज जो दिया हुआ है वो 39 दिया है, तो यहाँ पर मैं 39 लिख लेता हूँ, और फेल का जो एवरेज दिया है वो दिया है यहाँ पर 15 दिया है, तो यहाँ पर मैं 15 लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए एलिगेशन सिखाया था आपको मैंने, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा जो एलिगेशन का वीडियो बनाया था मैंने, तो एक काम करूंगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर देख सकते हो। क्या करेंगे, देखिए ये क्रॉस बनाया यहाँ पर, अब माइनस कीजिए, देखिए बड़े को छोटे से माइनस कीजिए, तो 35 को आप 15 से माइनस करो, कितना बचेगा, देखिए बचेगा 20 बचेगा, ठीक है ये 20 लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको इससे माइनस कीजिए, देखिए बड़ा कौन है, 39 बड़ा है, तो 39 माइनस 35 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ये मैंने लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको रिड्यूस करेंगे, तो 4 1 जा 4 हो गया और 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, देखिए 5:1 रेशियो हो गया, ये क्लियर हो गया। अब निकालना क्या है, देखिए आपको आपको कैंडिडेट हु पास द एग्जाम, पास निकालना है एग्जाम का, देखिए तो क्या करोगे, देखिए टोटल कैंडिडेट देखिए 120 कैंडिडेट दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ये 5 रेशियो जो है वो पास का है, तो आप यहां 5 लिखोगे और 2 रेशियो को प्लस कर दीजिए, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा, टोटल क्या आएगा नीचे, 6 आएगा। क्लियर हो गया,
सिक्स टू जार 12 हो गया, जीरो लिख दिया मैंने, फाइव टू जार 10 ये हो गया 100। तो आपका आंसर क्या हो गया, देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह के सम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक सम लेते हैं हम लोग ऐसे सम को अब सीखने के लिए। चलिए दोस्तों और एक सम लेके आपके सामने, देखिए ये वाला सम लेके आया हूं। इससे पहले जो सम सिखाया आपको मैंने, अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया अगर, तो ये आपके लिए सम इजी हो जाएगा। लेकिन आप उसमें नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, इसमें आप जरूर से सीख जाओगे। देखिए इसमें क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 18 ईयर्स। मतलब पूरे क्लास का जो है एवरेज जो है वो 18 ईयर्स है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया, देखिए द एवरेज एज ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15 ईयर्स। मतलब बॉयज का जो एवरेज जो है वो 20 है और गर्ल्स का जो एवरेज जो है वो है 15 ईयर्स है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 20, मतलब उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 20 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास। तो कितने बॉयज उस क्लास में होंगे, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन देखिए आपको सिखाऊंगा मैं तो ईजी बन जाएगा। आपको क्या करना, देखिए टोटल जो एवरेज जो है, टोटल एवरेज देखिए 18 दिया है, तो आप क्या करोगे, देखिए यहां पर आप 18 लिखोगे। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देखिए बॉय और यहां पर मैं गर्ल लिख लेता हूं, ठीक है। फिर एलिगेशन का मेथड लगाएंगे, देखिए अब देखिए बॉय का एवरेज कितना, देखिए यहां पर 20 है तो यहां पर मैं 20 लिखूंगा और गर्ल का एवरेज जो है वो है 15 है तो यहां पर मैं 15 लिखूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर अब क्या करूंगा, देखिए बड़ा क्या, देखिए 20 बड़ा है तो 20 को 18 से माइनस कीजिए, कितना आएगा यहां पर 2 आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर बड़ा क्या, देखिए यहां पर 18 है और यहां पर 15 है तो क्या करेंगे, देखिए 18 को 15 से माइनस करेंगे, कितना आएगा देखिए यहां पर 3 आएगा। अब देखिए यहां पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले सब में क्या दिया था, टोटल नंबर दिया था, अब यहां टोटल नंबर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां पर देखिए 3:2 आ गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैं लिखता हूं ये जो 2 जो है वो गर्ल का रेशियो है तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ गर्ल 20 दिया है, मतलब 2:20 गर्ल है तो 1 का कितना होगा, देखिए ये कैंसिल करता हूं तो 10 हो गया, मतलब 1 का जो रेशियो है वो 10 है तो 1 का रेशियो में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो यहां पर 20 आ जाएगा। देखिए यहां पर नंबर ऑफ गर्ल 20 दिया है तो उसी तरह देखिए 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 से कितना होगा 30 होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज का आंसर आप निकाल सकते हो, 30 निकाल सकते हो। तो ये वीडियो में इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।